रुद्रप्रयाग से खबर, जहां भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। भारी बारिश से अलकनंदा का रौद्र रूप देखने को मिला है। अलकनंदा खतरे के निशान के पार और भारी बारिश से कई मार्ग बंद है। लोगों की परेशानियां जो है वो बढ़ गई है। प्रशासन ने अलर्ट इसको लेकर के जारी किया है। सावधानी बरतने की अपील तक की गई है और लगातार भारी बारिश की वजह से अलकनंदा का जो रौद्र रूप है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखिए बारिश के बाद किस तरीके से यहाँ पर माहौल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो रास्ता है वो भी बाधित हो रहा है। मलबा आ जाता है सड़कों पर, जिसकी वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों साथ ही निचले इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इस समय हम मौजूद हैं रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय के बेलनीपुर के ठीक नीचे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलकनंदा नदी ने कितना भयंकर रौद्र रूप धारण किया हुआ है। इस पुल के ठीक नीचे यहाँ पर नदी से 15-20 मीटर ऊपर एक शिव की मूर्ति बनी है जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। इसके अलावा वाल्मीकि समाज को जाने वाला रास्ता पैदल मार्ग भी पूरा जलमग्न हो चुका है। नदी में बहकर पूरा कचरा आ रहा है, बड़े बड़े विशालकाय पेड़ आ रहे हैं। इसके अलावा गंदगी भी पूरी तरह से फैल रही है। आप ठीक सामने देख सकते हैं नदी के ठीक सामने हनुमान मंदिर है, वहां की सुरक्षा दीवार तक पानी पहुंच गया है। इसके अलावा नगर पालिका का कार्यालय भी है, साथ ही साथ लोगों के आवासीय भवन है जहाँ तक पानी पहुँचने ही वाला है। नदी अपने मूल स्थान से काफी ऊपर आ चुकी है और कह सकते हैं कि खतरे के निशान को भी छू चुकी है। अगर लगातार बदना क्षेत्र में ऐसे ही बारिश का कहर जारी रहा तो कह सकते हैं कि इन आवासीय घरों तक पानी पहुंच जाएगा। हर मानसूनी सीजन में देखने को मिलता है कि यहां पर लोगों की स्थिति काफी भयावह हो जाती है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच जाता है, उसके बावजूद भी लोग सचेत नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केदारनाथ आपदा के बाद से ही जो नदी है अपने मूल स्थान से काफी ऊपर उठ चुकी है। ऐसे में हर मानसून सीजन में दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जिला मुख्यालय की, तो जिला मुख्यालय में करीबन जिले के 12 से 13 लिंक मार्ग ऐसे हैं जहां पर मलबा आ चुका है, बॉर्डर आ चुका है, जिस कारण लिंक मार्ग बंद हो चुके हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे के जगह जगह मलबा आने से राजमार्ग बंद है। बद्रीनाथ हाईवे के सरोवर की ऊपरी पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है, यहां पर राजमार्ग बंद है, जहां पर खोलने का प्रयास लगातार जारी है। इसके अलावा केदारनाथ हाईवे के डोला देवी फाटा के पास के साथ ही अन्य स्थानों पर मलबा आ चुका है, यहाँ पर भी राजमार्ग बंद है। जिला प्रशासन की ओर से डीएम सौरभ गैरवार की ओर से शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों की भी छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग की ओर से लगातार लोगों को सचेत किया जा रहा है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग जनपद में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही शहरी इलाकों में मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि इस बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाई है, पेयजल स्रोतों को भी रिचार्ज किया है।